नहीं मतलब सारी इतनी सारी गुजिया थी सब मतलब खराब हो गई हैं। बताओ इसको मैं क्या करूं, इनको जो है कल मुझे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और लेकिन कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो आप सभी लोगों की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं पहले एडवांस में ही। और जैसा कि बताया कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो अभी आप देख रहे हो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ मंदिर के सामने। तो आज मैं थोड़ा सा कुछ तैयारी नवरात्रि के लिए कर ली जाए, मंदिर वगैरह मैं साफ कर लेती हूँ। तो है मतलब दो दिन से मेरे घर पे यही हो रहा है कि मैं दो दिन से खाना बना ले रही हूँ पहले, और मेरे हस्बैंड जी पतिदेव मेरे बाद में फोन करके बोलते हैं कि आज मेरी बाहर पार्टी है। और अभी एक दो दिन पहले परसों की बात है, परसों नहीं सॉरी कल की ही बात है, कल भी उन्होंने बाहर की पार्टी वगैरह की थी, ऑफिस में कुछ पार्टी थी। और आज तो खैर आज मैंने केवल दाल बनाई थी, तभी उनका फोन आ गया था और उन्होंने कहा कि मेरी आज मतलब मेरी क्या मेरी भी पार्टी ही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया जाने को। मैंने कहा रात का समय है तो अपनी बेटी को ले जाना ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आज खाना मत बनाना, मैं वहीं से, तुम नहीं जा रही हो तो मैं तुम्हारा भी खाना वहां से लेकर आऊंगा। मैंने कहा ठीक है। और तो उसके लिए मैंने दाल चढ़ा दी, दाल तो मेरी बनी गई, अब वो भी बर्बाद जाएगी। खैर देखते हैं उसका भी सॉल्यूशन क्या, मतलब बर्बाद नहीं जाने दूंगी, कल है फ्राई व्राई करके खा लिया जाएगा। फ्रेंड्स आज मेरी बेटी को ना इतनी शैतानी करने लगी मेरी बेटी कि ये देखो, यहाँ आओ बेटा खड़ी हो, इतनी शैतानी करने लगी है इनको। मैं कई दिन से इनका सोच रही हूँ कि बाल बनवा दूँ। एक तो गर्मी का सीजन आ गया, इसको सर में गर्मी बहुत लगती है। और दूसरी बात जो है मतलब कई दिन से हम इनको बाल कटाने की सोच रहे हैं। एक बार पता क्या है, एक दिन तो मैं इनको ले भी गई थी बाल कटवाने के लिए, लेकिन वहाँ से भागी चली आ रही थी, मुझे नहीं कटवाना है। और इसलिए कटवा रहे हैं इनके बाल, आप देख रहे हो कंघी वंगी कुछ नहीं करती हैं। ये देखो इधर दिखाओ जरा, कंघी नहीं करना है तुमको करना। ये बाल फिर कैसे, ऐसे कैसे, मैं इनको क्लिप भी लगा देती हूँ लेकिन ये बाल इनके सुधरते ही नहीं है, भागे भागे फिरे रहते हैं। और इतनी शैतानी करने लगी है मतलब कि दिन भर फोन में देखती रहती, दिन भर तो कि वो फोन में ही देखती है टीवी होने के बावजूद। टीवी में सोचो कि मतलब अगर मैं कहती हूँ कि टीवी में देख लो, थोड़ी भी देर नहीं देखती है, मतलब केवल फोन चाहिए। और फोन में आप लोग जानते ही यार, फोन में देखने से बच्चों पे बहुत ही ज्यादा आंखों पे बहुत जल्दी आंखें वीक होने की दिक्कत रहती है, डर रहता है। तो लेकिन बच्चे ये है कहाँ मानती हैं। तो अभी इनका देख सकते हो, अभी ये 3 इयर्स की हो रही है, इनका एडमिशन हम लोग कराने की सोच रहे हैं। और इसमें अभी इनको मेरे पतिदेव को छुट्टी भी नहीं मिल पा रही है, तो सोच रहे हैं किसी दिन छुट्टी ले तो हम लोग इनका एडमिशन करा दे जाकर किसी स्कूल में जाकर, 2-3 स्कूलों में जाकर। पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा, पता करते हैं कैसे पढ़ाई होती, कैसे कहाँ क्या है, क्योंकि डायरेक्टली कि मतलब कि कहाँ पे इनका एडमिशन कराएं। तो अब वही है, अब 2-3 स्कूल हम लोगों ने सजेस्ट किए हैं, बैठ के डिसाइड किया था। तो अभी जाएंगे, पता करेंगे 2-3 स्कूलों में फीस वगैरह एडमिशन का, और मतलब कैसे क्या है, तो उसके बाद ही कराएंगे। जब एडमिशन इनका करा देंगे तब थोड़ा सा हम लोग को आराम हो जाएगी। तो जब इनका एडमिशन करा देंगे तब थोड़ा सा मतलब कि इनका फ़ोन देखना और मतलब काफ़ी कुछ इनका सुधर जाएगा। इनकी एक होता रूटीन, डेली रूटीन का वो टाइम टेबल होता वो बन जाएगा कि हाँ इस टाइम मुझे इतना ही टाइम इनको फ़ोन दिखाना, इतना टाइम। फ़ोन की तो आदत मैं छुड़ा ही दूंगी, बाकी टीवी वगैरह की कुछ 2-3 घंटे के लिए स्कूल में बिताया करेंगी। उसके बाद अंदर साफ कर देते हैं, नवरात्रि स्टार्ट हो रही जैसे हम लोग का होता है कि देखो यहाँ पे इनका जो है पूजा की थाली, मंदिर की पूजा की थाली और जल चढ़ाने का लोटा और घंटी, ये सब चीजें हमने धो के रख दी। और उसके बाद जो है हमने इनके जो इनके वस्त्र मतलब कपड़े थे वो भी मैंने धुल के डाल दिए हैं, जो इनका नीचे बिछाने का था वो भी धुल दिया है, बाकी मतलब माला वगैरह हर चीज धो डाली है। और इनको जो है इनका अभी जब
साफ हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी मंदिर। वैसे तो छोटा सा मंदिर है तो कुछ यूनिक तो होगा नहीं, उसी तरीके से रखेंगे, लेकिन फिर भी जैसा भी लगेगा, जितना सुंदर लगेगा दिखाऊंगी। अभी मैं बहुत लोग होते हैं अपना इसमें लाइट्स वगैरह लगा देते हैं, बट हम लोग के पास जितना हो सकता है हम लोग उतना ही करते हैं। और फ्रेंड्स, पता है आप लोगों को, अभी कुछ दिन पहले जो है मैंने ब्लॉग में डाला होगा कि मतलब हम लोग है ना कोल्ड ड्रिंक पे ऑफर चल रहा था, तो मतलब हम लोग ने मंगाया था 1 लीटर की, तो उसकी जगह 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक आई थी पूरी, और हम लोग ने माँ और बेटी ने मिलकर 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक अकेले हम लोग सारी पी गए हैं। मतलब मेरे हस्बैंड तो कम ही पिए थे, ज़्यादा ज़्यादा मतलब जिस दिन लाई गई थी उस दिन पिए, उसके बाद इन्होंने अभी परसों पी थी, और सारी की सारी हम लोग ने फिनिश कर दी। हम लोग सोच रहे थे कि घर पे इतना बड़ा ज़्यादा नुकसान हो गया, नुकसान ही नुकसान कई दिन से हो रहा है, कहीं खाने का नुकसान हो जा रहा है, खाना ज़्यादा वेस्ट हो जा रहा बन जा रहा है, और कहीं कुछ हो जा रहा है, और आज मैं दिखाती हूँ किस चीज़ का नुकसान हो गया है। ये देखो, ये गुझिया है मेरी, और मैं दिखाती हूँ कितना नुकसान हो गया है। मैं इसको तोड़ के दिखाऊँ, मैं तो उससे लूँ। ये देखो, देखो नहीं, मतलब सारी इतनी सारी गुझिया थी, सब मतलब खराब हो गई हैं। बताओ इसको मैं क्या करूँ, इनको जो है कल मुझे बंद करके मतलब पॉलीथीन में रख के, ताकि वहाँ गाय खा लेगी, वरना यहाँ तो फेंकने का कोई वो नहीं। देखो हमारा ये सब सूख गया है, इनकी चुन्नी उन्नी कपड़े उपड़े, तो अभी हम इनको पहना बना के इनको सही से ढंग से रख देते हैं। तो ये सो रहे हैं। हाँ सो रहे हैं। अब क्या हो रहा है? तुमको तो लगता है ये भगवान जी, इनको लग रहा है टॉय है, तो ये कह रही है सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सफाई करके, ये छोटा सा मंदिर है ना तो आपको लग नहीं रहा होगा वैसे, लेकिन मैंने ये देखो पूरा सब धूल उल के थाली वगैरह सब इनको तैयार कर दिया है, मतलब कल के लिए इनको मैंने रेडी कर दिया है। और जो है अभी इनकी चुन्नी उन्नी वगैरह जो है मैं लाई हूँ, मतलब अपने ज्यादा गर्मी हो रही है, मेरे यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। आपको, आप लोग जहाँ पे भी रहते हो आप लोग बताओ, मैं तो लखनऊ में रहती हूँ, लखनऊ में इतनी गर्मी हो रही है, और जो जहाँ रहता कमेंट सेक्शन में बताना आपके यहाँ कितनी गर्मी हो रही है। और देख सकते हो आप, मतलब फैन चलने के बावजूद इतनी गर्मी लग रही है, अब क्या ही कहें। तो इसकी वजह से मतलब देख रहे हो मेरे यहाँ पे दाने वगैरह निकलना है, और मतलब तबीयत भी मेरी कुछ मतलब कल से ठीक नहीं लग रही है, अजीब सा लग रहा है, तो इसीलिए मैंने कुछ वीडियोस वगैरह भी नहीं बनाए हैं। वो टीटू जो है ये देखो क्या कर रही हैं, ये योगा मैट है ये लेकर आई हैं यहाँ पे बिछाने के लिए, लेकर आई हैं, बिछाई हैं। क्या कर रही हो बेटा तुम? योगा मैट कर रही हूँ। योगा मैट तो यही है, उसी पे लेटी हो, इस पे लेटी हुई है ये, इस तरह सब योगा करने के लिए इसको बिछाते हैं, और ये यहाँ पे इसीलिए बस खेलने के लिए बिछाती है। इनके बाल इनके कंट्रोल में नहीं है देख लो, इसीलिए इनके हस्बैंड भी नहीं आए हैं। देखो अभी टाइम हो रहा 9 बज रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का ये छोटा सा ब्लॉग था, इतना ही था, और जैसा भी लगा आप लोग बताना, वीडियो को मेरे शेयर भी किया करो और लोगों तक, अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स वगैरह में, और लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और जो भी क्वेश्चन आप लोग को करना हो कमेंट सेक्शन में, जो भी रिप्लाई कर मतलब कमेंट करेगा तो मैं रिप्लाई भी करूंगी। किसी दिन मैं ब्लॉग बनाऊंगी जिससे सभी के कमेंट का रिप्लाई करूंगी, आंसर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और हाँ लाइक शेयर कॉमेंट करना, जो लोग भी न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि, बाय बाय।